सदानंद सिंह जी ने कहा कि 23 में मुख्यमंत्री बनेंगे तेजस्वी यादव, 31 दिसंबर का लास्ट डेट फिक्स किया हुआ है उन्होंने। कहा कि मुझे कोई लालसा नहीं। भाई तेजस्वी जी के कहने से क्या होगा, सीएम हाउस के एक कमरे में हाथ उठवाने से कि आप लोग को आइएगा ना, डर न लगा है, कौन हाथ नहीं उठाएगा। जो काम का क्रेडिट लेना हो मैंने किया, जो नहीं लेना हो वो बीजेपी ने कर लिया। अब खुद राहुल गांधी पैदल चले जा रहे हैं, तो क्या नीतीश जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पैदल चल रहे हैं? नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार की सियासत इन दिनों अति पिछड़े समाज को लेकर गरमाई हुई है। देखिए, बिहार निकाय चुनाव को स्थगित करना पड़ा क्योंकि पटना हाईकोर्ट ने जो जजमेंट दिया उसके हिसाब से जिन सीटों पर अति पिछड़ों के लिए आरक्षित किया गया था जिन सीटों को, वहाँ पर चुनाव रोके जाएं। अब ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग ने तो चुनाव स्थगित कर दिया, लेकिन अब अति पिछड़ों को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। इस वक्त हमारे साथ सैयद शहनवाज हुसैन भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, यासगा के पूर्व मंत्री हैं, मौजूदा समय में MLC हैं। नीतीश कुमार कल खूब बोल रहे थे बीजेपी के ऊपर कि आप लोग अति पिछड़ा विरोधी हैं, आरक्षण विरोधी हैं, क्या अति पिछड़ों से आप लोगों को दिक्कत है? हमारी पार्टी के नेता ही अति पिछड़ा समाज से, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, अति पिछड़ा समाज से आते हैं। और अति पिछड़ा समाज के लिए जितना काम बीजेपी ने किया है उतना किसने किया है? हम लोग तो अति पिछड़ा समाज को आवाज़ देने का काम हमने किया। उनको जब चुनाव करना था तो जब पहले से कई चिट्ठी चुनाव आयोग ने लिखी थी, आयोग बना लेते, उसकी रिपोर्ट ले लेते, चुनाव करा लेते। ये तो बिहार सरकार की जिद की वजह से ये चुनाव हो गया, क्या ज़रूरत थी? नीतीश जी तो इतने पुराने मुख्यमंत्री हैं, उनको नहीं पता था, कई बार सुनना चाहिए था। ये अगर वो आयोग बना लेते तो चुनाव हो जाता, कितने लोग नाराज़ हैं जो उम्मीदवार खड़े थे। आयोग हम क्यों बनाए, हम तो कब से आरक्षण दिए 2006-07 से है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आखिर मध्य प्रदेश ने बनाए ना, तो इस तरह बना लेते। अति पिछड़ा समाज का हक नहीं मारते। आज अति पिछड़ा समाज अपने को ठगा हुआ सा महसूस कर रहा है। उनको जो राजनीतिक भागीदारी भारतीय जनता पार्टी की पहल थी, सरकार में तो मुखिया नीतीश कुमार जी होते। जो काम का क्रेडिट लेना हो मैंने किया, जो नहीं लेना हो वो बीजेपी ने कर लिया, ये सही नहीं है। नहीं, जिस तरीके से बीजेपी पर इन दिनों वो हमलावर हैं, लगता है कि अब जब अमित शाह, आप देखिए पिछले महीने भी वो बिहार आए, सीमांचल गए, आप साथ में थे, अगले महीने भी आएंगे। मैंने तो आपको पहले ही कहा था, देश के गृह मंत्री के ऊपर बिहार का हक है कि नहीं? नहीं, नहीं, इतना बिहार से लगाव कैसे शुरू हो गया जब से गठबंधन बना? लगाव है, वो तो बिहार को बहुत प्यार करते हैं। प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी दोनों बिहार से बहुत मोहब्बत करते हैं। तो कहा है, JDU के लोगों ने कहा है, ललन सिंह ने कहा है, सब ने कहा है कि जाइए शताब्दी द्वारा जाइए और देखिए कितना बिहार सरकार ने वहाँ काम किया है, जरा देखिएगा भी। देखिए, पुण्यतिथि पे तो इन लोगों ने कभी कुछ किया नहीं, पहली बार राजकीय समारोह घोषित किया पुण्यतिथि पे। इतने साल लग गए, कितने नेताओं के राजकीय समारोह हो गए, लेकिन JP के लिए अब अनाउंस किया गया, जिनके नाम से हम सबकी पहचान है। तो और अमित शाह जी यहाँ आ रहे हैं, तो उस दिन गृहमंत्री जी के आने पर मुख्यमंत्री जी को JP से लगाव है तो यहीं रहना चाहिए था ना, जो उनकी जन्मभूमि है उनके जयंती पे तो यहीं रहना चाहिए, नागालैंड तो नहीं जाना चाहिए। नागालैंड में उन्होंने काम किया, उन्होंने बहुत जगह काम किया, तो पहली बार होगा कि किसी बिहार के कोई मुख्यमंत्री हो और JP की जयंती पर बिहार में ना हो। भैया, आप नागालैंड एक दिन पहले जाते या उसी दिन, आपके पास तो प्लेन है, आप सोनिया जी से मिलने जा सकते हैं, तो एक प्लेन मंगा लेते, चले जाते नागालैंड। हाल ही में जब वो, मैं उनके स्टेटमेंट को कोट करता हूँ, हाल ही में जब वो फरीदाबाद गए थे, हरियाणा विपक्ष को एकजुट कर रहे थे, तो उन्हें मंच से कहा था कि हम लोग जब एकजुट हो जाएंगे जीतेंगे तो ये बिल्कुल नहीं, बुरी तरह हारेंगे BJP वाले। अरे भाई, हमारे खिलाफ तो सब एकजुट ही रहते हैं। 14 में लोग एकजुट हुए थे, 19 में हुए थे, पूरे देश में कई लोग एकजुट हो जाते हैं, क्या होता है? आप देखिए, पिछले चुनाव में मायावती जी और मुलायम सिंह यादव जी की पार्टी एक हुई थी, फिर भी हम लोग जीते। हम लोग मिशन 51% पे हैं, मिनिमम 51% वोट बिहार में प्राप्त करेंगे
और लोकसभा के चुनाव में मिशन 40 है, 35-36 से कम सीट हम लोग जीतने वाले नहीं हैं, उस पर अभी से काम कर रहे हैं। बीजेपी अकेले चुनाव लड़के 35-36 सीट जीत जाएगी? जी क्यों नहीं जीतेगी, नहीं उधर महागठबंधन है, 7 दलों का गठबंधन है। 7 क्या 12-14 बना लीजिए, पूरे देश में कहते हैं बहुत बड़ा गठबंधन है, उस गठबंधन में कितने लोग थे? नीतीश कुमार जी जब मिलने गए दिल्ली, जिन नेताओं से मिले उनके कितने सांसद थे सबके मिलने के लिए, तो आपने देखा है इनसे मिले इनसे मिले इनसे मिले। तो नहीं लगता है कि आगे अरविंद केजरीवाल से भी बात करना है और भी तमाम नेताओं से बात करना, बात हो भी रही है? देखिए क्या है राजनीति में ना, संख्या बल बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और बिहार नहीं है कि संख्या जिसकी ज़्यादा हो उसका मुख्यमंत्री नहीं है, ये सिर्फ बिहार में ही संभव है। तो आप आरजेडी पर कह रहे हैं ना? नहीं, उनके पास भी हमारे पास भी, पहली बार भी हमारे पास ही संख्या थी जब मुख्यमंत्री बने थे नीतीश कुमार जी तो। लेकिन पूरे देश में संख्या बल बहुत इम्पोर्टेंट है। अब देखिए राहुल गांधी तो खुद ही पद यात्रा कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल खुद ही चुनाव में लगे हैं, ममता जी एकदम तैयार बैठी, KCR यहाँ आए थे, उन्होंने जो TRS को BRS कर दिया, बिहार आने का असर ये हुआ कि T की जगह B आ गया, भारत के नाम से जोड़ा लेकिन यहाँ आ गए। इसीलिए तो मैं उस दिन समझ गया था कि नीतीश जी क्यों बार बार उस सवाल पे उठ खड़े हो रहे हैं। आपको लगता है कि जो मेल मिलाप करने की कोशिश कर रहे हैं नीतीश कुमार, सबको एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सफल नहीं होने वाला है? देखिए कैसे होगा, मतलब नहीं होगा ना, आप यही मान रहे कि नहीं होगा? राजनीति में महत्वाकांक्षी जो लोग हैं UPA में, या KCR हैं, ममता जी हैं, अरविंद केजरीवाल हैं, और खुद राहुल गांधी पैदल चले जा रहे हैं, तो क्या नीतीश जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पैदल चल रहे हैं? वो खुद के लिए चल रहे हैं ना, तो वो खुद एक महत्वाकांक्षा, उनकी भी माँ सोनिया जी ने ख्वाब देखा है उनके लिए, तो क्या सोनिया जी के ख्वाब पर लालू जी नीतीश जी के ख्वाब भारी पड़ेंगे? ऐसा नहीं हो सकता। बीजेपी इस बात को मान रही है कि नीतीश कुमार सामने में कोई टक्कर नहीं है 24 में? नहीं नहीं, देखिए नीतीश जी जब खुद ही नहीं मान रहे तो हम क्यों मानेंगे। नीतीश जी ने खुद ही कहा कि वो प्रधानमंत्री के रेस में नहीं है, ये तो उनके नेता पोस्टर लगा दिए, बिहार में देखा है देश देखेगा, तो फिर वो पोस्टर क्यों लगाया आपने? ये विरोधाभासी बयान है। और राजद के नेता अलग कह रहे हैं, जगदानंद सिंह जी ने कहा कि 23 में मुख्यमंत्री बनेंगे तेजस्वी यादव, 31 दिसंबर का लास्ट डेट फिक्स किया हुआ है उन्होंने। 31 दिसंबर को नीतीश कुमार क्या रिजाइन दे देंगे? नहीं, वो जगता बाबू कह रहे थे, हम थोड़ी कह रहे हैं, भाई हमारे लिए क्या फर्क पड़ रहा है, हम लोग तो विपक्ष में हैं, विपक्ष में हम लोग अपनी बात रखते हैं, और मैं तो हरदम शालीनता से ही बात रखता हूँ, तर्क के साथ रखता हूँ। तो मैं कह रहा हूँ जगदानंद सिंह जी का बयान है, उस बयान का खंडन तो जदयू के नेता को नहीं करना, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं राजद के श्री लालू प्रसाद यादव जी, उनको करना है ना खंडन, कि जगता बाबू प्रदेश अध्यक्ष का बयान कोई विधायक या उप मुख्यमंत्री तो नहीं करेगा, तेजस्वी यादव सिर्फ उप मुख्यमंत्री हैं, राजद में तो किसी पद पे नहीं है ना, उसमें तो लालू जी को, तेजस्वी ने भी कहा कि मुझे कोई लालसा नहीं है। तेजस्वी जी के कहने से क्या होगा, तेजस्वी जी जिस पार्टी के नेता हैं उसके अध्यक्ष कौन है, जगता बाबू, और क्षेत्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लालू प्रसाद जी। आप लोग लिखते रहते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये पार्टी तो क्षेत्रीय है ना, या कर दीजिए मैं गूगल करूं कि कौन सी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, उसमें तो नामे नहीं है, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, बनाने में क्या है, आप बना लीजिए अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष, 10 कार्यकर्ता उसमें भी अध्यक्ष हो जाएंगे। अभी आप लालू प्रसाद की बात करें, इन दोनों लालू परिवार जो है वो पूरा कह सकते हैं मुश्किलों से घिरा हुआ है, जब CBI की बात आ रही है, CBI ने चार्जशीट दायर किया है, तो RJD के लोग कह रहे हैं कि जब जब BJP हारती है, यहाँ तक कल तेजस्वी यादव ने भी कहा जब जब BJP हारती है तो इन्हीं हथकंडों का, सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल करती है। नहीं नहीं, वो तो पहले से वो केस चल रहा है ना, उसमें कहीं से कोई BJP का कोई इसमें लेना देना नहीं है, इंडिपेंडेंट एजेंसी है, वो अपना काम कर रही है।
कैसे देखते हैं, मतलब फिर वही सवाल, लड़ाई को कैसे देखते हैं 24 में 25? लड़ाई देखिए, लड़ाई बिहार के लोगों को इलेक्शन के अलावा भी तो मुद्दा होगा। अभी मुकामा गोपालगंज में भी है तैयारी, लाइव सिटी पे है। जब भी मेरे से आप बात करते थे, जब मैं उद्योग मंत्री था, तो आप सिर्फ डेवलपमेंट की बात करते थे, कौन इंडस्ट्री आ रही है। क्या अभी जो कोई टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी बनी, तो कोई नई कंपनी ने अप्रोच किया है क्या? मुजफ्फरपुर वाला जो मुख्यमंत्री जी देखने गए, वो लेदर वाला पहले से ही लेदर का चल रहा था। अभी जो टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी में जो एक लेदर कंपनी जो बिहार की पंडोल में लगाने की बात है, उसने SIPB में पहले ही अप्लाई किया हुआ था। वो लैंड मांग रहे थे, क्योंकि लैंड की फाइल गई हुई थी CM हाउस, और उसके बाद उसको हम लोगों ने 80% कम किया था, तो वो उसके बाद ही लैंड अलॉटमेंट होता, तो वो बियाडा उसको लैंड अलॉटमेंट करेगी। जो बड़ी नामचीन जो टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी बनी, जिसमें बड़े बड़े ब्रांड को आना था, इंडस्ट्री लगाने था, उस पर मेहनत करना चाहिए ना। सेक्रेटरी इंडस्ट्री तो दिन रात लगे रहते हैं, नए मंत्री जी आए वो भी लगे रहते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी को इनिशिएटिव लेना हो। सिर्फ CM हाउस के एक कमरे में हाथ उठवाने से कि आप लोग को आइएगा ना, डर न लगा है, तो कौन हाथ नहीं उठाएगा? ये कोई रैली है क्या? इसमें विश्वास जताना पड़ता है कि लॉ एंड ऑर्डर की। जिस वक्त यहाँ इन्वेस्टर मीट हो रहा था, वहाँ हवाओं में गोलियाँ तैर रही थी बिहटा के अंदर, 1000 राउंड। इतने इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पर भी नहीं चलता इतना राउंड जितना बिहटा में चल रहा था, और DGP साहब यहीं बैठे हुए थे। जैसे खबर मिली थी कि इतनी गोलियां चल रही हैं, 5 लोगों की मौत हो गई, कितनी लाश गायब हो गई, तो तुरंत वहीं जाना था ना। तो विश्वास दिलाना पड़ेगा, यकीन दिलाना पड़ेगा। हम तो क्योंकि बिहार के हैं, अभी तो हमारी हम MLC हैं, बिहारी हैं, सबसे प्रवक्ता भी हैं, नहीं मतलब वो तो मेरे पार्टी का काम है, तो उस नाते विपक्ष में रहने के नाते भी हमारी जिम्मेदारी है कि अगर कोई हमसे पूछता है कि इंडस्ट्री लगाना, हम कहें ज़रूर लगाइए, लेकिन वो लॉ एंड ऑर्डर तो देखेगा ना, उसको मजबूत करना पड़ेगा ना। मैं तो चाहूँगा कि बिहार के नौजवानों ने जो ख्वाब हमने दिखाया है वो ख्वाब पूरा हो, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में अच्छा काम हो रहा। आप कह रहे हैं ख्वाब पूरा करने के लिए, प्रशांत किशोर को तो आप लोगों ने भेज ही रखा है ना बिहार CM को बदनाम करने के लिए, कल मुख्यमंत्री कह रहे थे कि भेज रखा है। अब पता नहीं प्रशांत किशोर जी की एक फ़ोटो BJP के नेता के साथ दिख रही है, जाते हैं वो CM हाउस, वहीं गपशप होता है, फिर वहाँ से बातचीत करके वो पदयात्रा पे चले जाते हैं। उन्होंने कभी संजय जायसवाल जी से या सुशील मोदी से मिलने गए प्रशांत किशोर? वो तो नीतीश जी से ही मिलने गए ना, पवन वर्मा जी के साथ, तो मिले आपके साथ, चाय पानी करें आप, और फिर BJP का एजेंट भी बता दें आप, ये तो बड़ा गजब है। देखिए, तो इन तमाम मुद्दों पर शहनवाज हुसैन खुलकर बात कर रहे थे, क्या कुछ उन्होंने कहा है 24 और 25 में कोई ये टक्कर ही नहीं देख रहे हैं, और पूछ रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के जो ख्वाब हैं, क्या सोनिया गांधी के ख्वाब पर वो भारी पड़ेंगे? राहुल गांधी नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनने देंगे? देखना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।